नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आज काफ़ी समय बाद एक वीडियो बना रहा हूं। बहुत समय हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ वजह नहीं, उस वजह से नहीं बना पाया। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, वो भारत के लिहाज से बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव, पैसा कमाने वाला, चकाचौंध भरा हुआ ऐसा बिजनेस है। इवन अब ये नया उभरता हुआ बिज़नेस है, इसलिए अभी हाल फिलहाल इसके मंदे होने की या नीचे जाने की, पीछे जाने की, घाटा होने की कोई संभावना नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छा कोऑर्डिनेटर होना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को चला सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा कोई ना कोई त्यौहार चलता रहता है, हमेशा कोई ना कोई शादी ब्याह और ये सब चलता रहता है। और भारतीय शादी ब्याह में, शादी विवाह में और अपने घर बनाने में, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। घर ये भी दूसरों को दिखाने के लिए होता है, यहाँ सब दूसरे देख रहे हैं उसका घर इतना है, हमारा इतना अच्छा है। शादी विवाह में भी तमाम तरह के, जितना पैसा है हमारे पास उस हिसाब से, बल्कि कई बार आदमी अपनी हैसियत से बढ़कर ही खर्च कर देता है। अब जो शादियां होती हैं वो पहले की तरह शादियां नहीं रही हैं। पहले जैसी शादियां अलग थी, पहले तो सिंपल सी, और आज भी गांव देहात में या आम आदमी बहुत साधारण तरीके से बिल्कुल चुपचाप कर लेता है शादियाँ। लेकिन जो संपन्न तबका है, और धीरे धीरे संपन्नता बढ़ रही है और लोग देखा देखी भी करने लगे इस तरह की, इसको एक पूरा इवेंट बना दिया गया, शादी को एक इवेंट। जैसे कि आजकल हमारे देश के सत्ताधारी लोग इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं, वो छोटी सी चीज़ को प्रचारित करने में बहुत बड़ा इवेंट बना देते हैं उसे, और बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं। तो इसी तरह से ये इवेंट वेडिंग इंडस्ट्री है, शादी विवाह का जो इंडस्ट्री है, शादी विवाह की, इसको वेडिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, चकाचौंध है, सारी चीज़ें हैं। आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो उनके लिए ये है कि सारे रिश्तेदार हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं रह पाते हैं। आज जैसे दिल्ली का आदमी बेंगलोर में बस गया, तो सारा रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब यहीं हैं, वहाँ जाकर उन्होंने नए दोस्त बनाए, रिश्तेदार तो शायद है ही नहीं, होगा इक्का दुक्का तो अलग बात है, सब इधर से ही जाएंगे। तो एक बड़ा, मतलब लोगों के पास पहले क्या था, कॉमन थे घर में, शादी ही एक कॉमन परिवार था, चाचा ताऊ ये सब रहते थे इकट्ठे, तो सबके बच्चे लोग, सब लोग मिलके काम कर लिया करते थे। अब लोग नहीं कर पाते हैं, बिजनेस भी करना है या फिर अपनी जॉब जो कर रहे हैं वो भी करनी है, साथ में शादी विवाह भी करना है। तो इसके लिए अब इवेंट प्लानर या वेडिंग मैनेजमेंट, वेडिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो करते हैं। उसमें कई तरह के लोग हैं, उनकी संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप मतलब इवेंट प्लानिंग, वार्डरोब स्टाइलिंग, वेडिंग प्लानिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड मीडिया विशेषज्ञ, कैटरिंग, इस तरह के कई सारे फील्ड हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, जिनको आप चुन सकते हैं, जिनमें बहुत अच्छा पैसा है। और जो इवेंट मैनेजर होता है, या जो कहते हैं एक इवेंट कंपनी लोगों ने बना ली, उस इवेंट कंपनी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, जो वार्डरोब स्टाइलिंग वाले हैं वो वार्डरोब की व्यवस्था बनाते हैं, फ़ोटो वाले फ़ोटो की, यानी मीडिया वाले जो हैं, मीडिया इवेंट मैनेजर, वो फ़ोटो के बारे में करते हैं और वीडियो वगैरह के बारे में करते हैं। कैटरिंग वाले कैटरिंग का काम करते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर कुछ कंपनियां हैं, जैसे वेडिंग फला फला वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो उनका जिम्मा होता है, वो सबसे आपको रूबरू कराते हैं और सबका, या फिर सबका खर्चा खुद ले लेते हैं, अपने हिसाब से करते हैं काम, या दूसरा सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो एक, अगर आपके अंदर कोऑर्डिनेट करने की क्षमता है अच्छी तरीके से, तो आप चाहें तो एक टेबल, दो चार कुर्सियाँ और अपना एक छोटा सा ऑफिस से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब शादी होगी, जिसकी शादी होगी वो आपको पैसा देगा, वो आपको इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा अपने हिसाब से, आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों मुझे लगता है ये इंडस्ट्री एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, आगे भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। भारत 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है और हर साल 10 करोड़ से ज़्यादा शादियां होती हैं, तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से। तो आप इसमें चूज कर सकते हैं अपनी जगह कहाँ पर है, आप कहाँ पर अपनी जगह बना सकते हैं। और आसान है, इसके लिए कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेज ने कुछ छोटे छोटे कोर्स भी चालू किए हैं कुछ अलग अलग विषयों के ऊपर। अगर आप फैशन डिजाइनिंग और ये सब कर चुके हैं तो आप वार्डरोब प्लानिंग और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट किया है, कोऑर्डिनेट करने की क्षमता है, तो आप खुद एक कंपनी खोल के बैठ सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी वगैरह के बारे में कुछ जानते हैं या ऐसा, तो उस तरह से फोटोग्राफी के फील्ड में, वीडियोग्राफी के फील्ड में आ सकते हैं। अगर आप कैटरिंग से संबंधित कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप उसमें आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके लिए हम क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या है कि आपकी प्री वेडिंग शूटिंग, आफ्टर वेडिंग शूटिंग, शूटिंग उसके दौरान होती है, कपड़े की प्लानिंग, कैटरिंग की सर्विस, पंडित तक की व्यवस्था, होट और आपका दोने पत्तल इन तक इनकी व्यवस्था है, बैंकेट हॉल, इन सब की व्यवस्था है, हर तरह की चीज़, मतलब ए से लेके जेड तक। आजकल घराती भी, जो घर वाले भी हैं वो भी ऐसे आते हैं जैसे बारात वाले हैं, वो भी उस तरह से आते हैं आराम से। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ पका पकाया मिलता है, सब कुछ तैयार। इवन अब तो विदा के समय में रोने वाली लड़कियां भी मिल जाती हैं, और किसी की सहेलियां ना हो अगर लड़की की, तो उसके साथ में कुछ 10-20 लड़कियां भी मिल जाती हैं कि वो उसको एक राजकुमारी जैसा ट्रीट करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वेटर वेट्रेस और ना जाने क्या क्या चीज़ें, तो सारा चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ये जनरली हम सभी ने शादियाँ देखी हैं अपने घरों में, परिवारों में सब शादियाँ देखी हैं, सब लोग करते हैं, सब लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो थोड़े से अनुभव के साथ में और कुछ अच्छे जानकार लोगों को अपने साथ मिलाकर एक कंपनी बनाई जा सकती है, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो, मैं तो कह रहा हूँ 30-40-50 हज़ार से ही शुरू कर सकते हैं इस काम को। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक दिमाग में आया ये चीज़, ये अच्छा है, बिज़नेस है, उभरता हुआ बिज़नेस है, आगे इसमें संभावनाएँ हैं और बहुत आगे अच्छी संभावनाएँ हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।